हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वेब डिजाइनिंग। ये मेरा पहली बार पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर आज, ठीक है। तो व्हाट इज ए वेबसाइट? वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब किस किस चीज़ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। हमें सबसे पहले HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और फोटोशॉप की आवश्यकता है, ठीक है। या तो वी स्टार्ट टू HTML। HTML क्या है? HTML इज ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज इज ए टैग बेस्ड लैंग्वेज वी यूज टू नोटपैड प्लस प्लस। यहाँ पर हम एडिटर का जो यूज करेंगे, नोटपैड प्लस प्लस का यूज करेंगे, ठीक है। तो HTML इज नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। HTML कोई केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसके अंदर हम अपर केस, लोअर केस दोनों केस लेटर का यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये नहीं होगा कि क्या के छोटे अक्षरों में लिखना है या बड़े अक्षरों में लिखना है, जैसे कि लैंग्वेज C++ में होता है। वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, वहाँ पर छोटी मतलब कि ये अपर केस लेटर का अलग मीनिंग होता है और लोअर केस का अलग होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा? यहाँ पर जैसे कि लैंग्वेज सी में होता है .cpp का यूज करते हैं, एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम .htm और .html के एक्सटेंशन दिया करके सेव करेंगे, ठीक है। तो HTML यहाँ पर क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स टैग्स, ठीक है। ये टैग बेस्ड लैंग्वेज है, तो यहाँ पर दो टाइप के टैग हैं। पहला है पेयर टैग और दूसरा सिंगल टैग, ठीक है। फर्स्ट पेयर टैग, दूसरा सिंगल टैग। पेयर टैग क्या है? पेयर टैग में मतलब कि कितना ओपन होगा कोई भी टैग, तो उसको क्लोज करना ज़रूरी है। मतलब टू टैग का होता है, जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया एक HTML। अगर हमने ओपन कर्ली ब्रैकेट से, तो यहाँ पर स्लैश लगाया करके क्लोज करना ज़रूरी है, ठीक है। सिंगल टैग क्या है? सिंगल टैग जो है कि सिंगल टैग के थ्रू हम सिर्फ सिंगल लाइन से ही सिंगल टैग यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हुआ एक ब्रेक टैग, BR टैग लगा दिया, सिर्फ इतने में ही काम हो गया है। दूसरा सेंटर टैग लगा दिया, क्लोज हो गया, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा आज ये फर्स्ट लेक्चर था, और बाकी का मैं दूसरा लेक्चर डालूँगा। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू। कोई भी मतलब दिक्कत वाली बात आ रही है, परेशानी वाली बात आ रही है, तो कमेंट के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं। आप कमेंट कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं सॉल्व करूँगा आपकी। थैंक यू, थैंक्स।